Hello students, in the last video we have studied about the classification of LTI system. Now in this video we will study one more very small topic in LTI system, that is called step response in LTI system. Okay, aur hum is video mein ye bhi study karenge ki kaise jo step response topic aap pad rahe hain wo exactly similar hai differentiation property of convolution se. Okay, और इसके अलावा हम लोग एक से दो न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा लेंगे जो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने स्टडी किए हुए हैं. ठीक है, तो आप देखिए स्टेप रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम का क्या मीनिंग है. अगर मैं पहले यहां पर कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम कंसीडर करूं तो इसका मीनिंग होता है, मान लीजिए आपने इनपुट दिया है यूटी, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट होता है वाईटी वो कहलाता है आपका स्टेप रिस्पांस. ठीक है, तो इस केस में जो आपका आउटपुट yt होता है वो हो जाता है आपका माइनस इनफिनाइट से t ht dt. क्लियर है अच्छे से? तो ये होता है आपका स्टेप रिस्पांस, मतलब इंपल्स रिस्पांस का इंटीग्रेशन. ht को हम लोग इंपल्स रिस्पांस बोलते हैं, तो इंपल्स रिस्पांस का इंटीग्रेशन होता है आपका स्टेप रिस्पांस. क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर अब देखिए, आप जो मैंने कहा आपको कि ये किस तरीके से डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के सिमिलर है, तो देखिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के समय ये बताया था कि अगर आपका एक इनपुट xt जो है वो ut के इक्वल है, ठीक है, और मान लीजिए एक इनपुट आपका ht है, इंपल्स रिस्पांस है, तो जब आप yt परफॉर्म करेंगे ut कन्वॉल्वड विद ht, तो आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए दोनों साइड. उससे फायदा क्या होगा, जब आप ut का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डेल्टा t मिल जाएगा. ओके, तो डेल्टा t कन्वॉल्वड विद ht हो जाएगा और यहां पर आपका हो जाएगा dyt by dt. अब हमें पता है डेल्टा t के साथ किसी का भी कन्वॉल्यूशन वही सिग्नल आ जाता है, तो ht का ht आ जाएगा आपका. तो यहां पर yt अगर मैं निकालने जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनाइट से t इंटीग्रेशन ऑफ ht dt. क्लियर है अच्छे से? तो ये बहुत इजीली हमको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. स्टेप रिस्पांस सिर्फ एक वर्ड यूज किया हुआ है, वो है एक्चुअल में आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ही. ठीक है, तो जब भी आपको इनपुट स्टेप दिया हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इंपल्स रिस्पांस का इंटीग्रेशन कर दीजिए. ओके, नाउ अब यहां पर देखिए, आप अगर मैं सेम कांसेप्ट आपके लिए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में शो करूं और मान लीजिए इनपुट आपका un है और जो आपका आउटपुट है yn, वो क्या हो जाएगा आपका, फिर समेशन k इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू n hk. क्लियर है अच्छे से? तो जिस तरीके से आपने कंटीन्यूअस में इंटीग्रेशन किया ht का, डिस्क्रीट में क्या कर देंगे आप, hn का समेशन. आपने यहां पर hk के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है डिस्क्रीट के केस में, जैसे यहां पर कंटीन्यूअस में क्या था, t इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से t इक्वल टू t, तो डिस्क्रीट में क्या हो जाता, n इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से n इक्वल टू n, तो ऐसा लिखा नहीं जाता है जनरली n इक्वल टू n, तो हम लोग एक नया वेरिएबल ले लेते हैं k, तो k इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से k इक्वल टू n. अपर लिमिट तो आपकी n ही रहेगी, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे यहां पर तो आपको लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी, एच एन ही मिलेगी. सेम यहां पर भी वही होगा, तो इसके लिए वरी नहीं करना. बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें डिस्क्रीट में भी इंपल्स रिस्पांस जो है उसका समेशन परफॉर्म करना है. ओके, नाउ आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूं. यहां पर सपोज करिए आपको एक्स टी दिया हुआ है यू टी माइनस थ्री और एच टी आपको दिया है e की पावर माइनस फोर टी यू टी और आपको yt यहां पर कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहां पर yt जो है वो आपका क्या होगा, माइनस इनफिनाइट से t ht dt. क्यों, क्योंकि आपका इनपुट स्टेप है. लेकिन आप बोलेंगे इनपुट तो ut माइनस थ्री है, हमने थ्योरी पढ़ी है ut के लिए, तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपका इनपुट जो है वो ut ही है. ओके, और उसके लिए आप आउटपुट निकाल रहे हैं. ठीक है, तो yt क्या हो जाएगा, ht में देखिए ut प्रेजेंट है तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगी लिमिट, e की पावर माइनस फोर टी डी टी. क्लियर है यहां तक?
तो अब आप देखिए जो आपका yt है, आप पहले इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लीजिए, e की पावर माइनस फोर टी डिवाइडेड बाय माइनस फोर, लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से t। अब मैं आपके लिए लिमिट पुट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा yt आपका, yt हमारा हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस फोर टी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये जो आपका yt आया है ना, वो आया है इनपुट ut के लिए, लेकिन आपको समझना होगा कि आपका इनपुट क्या है, ut माइनस 3 है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका, आपको करना कुछ भी नहीं है, जो yt आया है उसमें जहां जहां t है ना, वहां वहां पुट कर दीजिए t की जगह t माइनस 3, आंसर आपका आ जाएगा करेक्ट, ओके। तो यहां पर हमें वरी नहीं करना है, हमें जो ut के लिए आंसर पता है वो आप निकाल लीजिए, यूज कर लीजिए उस फॉर्मूले का कि इंपल्स रिस्पांस का आपको इंटीग्रेशन करना है। लास्ट में जो भी आपका yt आएगा, ut जितना भी शिफ्टेड होगा, yt में भी t को आप उतना शिफ्टेड कर दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। क्लियर है अच्छे से? एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे देता हूं। सपोज करिए आपका जो hn है वो है 1/3n un, और जो आपका xn है वो है un। नाउ इस केस में हमें अब कैलकुलेट करना है yn, तो yn क्या हो जाएगा हमारा, समेशन k इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से n hk। क्यों hk, क्योंकि हमें पता है जब भी आपका इनपुट un होता है आउटपुट क्या होता है, समेशन ऑफ इंपल्स रिस्पांस। नाउ हमें पता है कि जो hn है या जो आप hk के फॉर्म में लिखने वाले हैं उसके साथ un या uk मल्टीप्लाइड है, दैट मींस लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी जीरो से स्टार्ट, तो जीरो टू n hk मतलब 1/3 की पावर k, uk का काम तो फिनिश हो गया, आपने लिमिट पुट कर दी जीरो से, तो uk की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब अगर आप इसे थोड़ा सा ओपन कर ले यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, k की वैल्यू 0 पर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, ठीक है ना, अप टू कहां तक जाएगा, 1/3 की पावर n तक। तो ये आपका n टर्म वाला, ठीक है ना, फाइनाइट टर्म वाला आपका gp सीरीज बन गया, देख सकते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, सब चीजें आपकी इक्वल है 1/3 के, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर है yn का, वो क्या होता है हमारा, gp सीरीज का समेशन a मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 माइनस rn, r मतलब कॉमन रेशियो, 1/3 की पावर n, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आप देखें आपका समेशन लिमिट स्टार्ट हो रहा है जीरो से n तक जा रहा है, मतलब टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, n प्लस 1, अगर ये 1 से n तक जाता तो टोटल टर्म n होते, लेकिन जीरो से n जा रहा है तो टोटल टर्म क्या हो जाएंगे आपके, n प्लस 1। तो 1/3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस 1/3, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर ये आपका निकल गया yn, और आपने जो yn निकाला है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला है, un के रेस्पेक्ट में, तो आपका निकल गया स्टेप रिस्पांस। और एक और पॉइंट है, जो आपने yn निकाला है समेशन फॉर्मूले में ध्यान से देखें, तो k की लोअर लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट थी, आपकी लोअर लिमिट थी 0 से n, ठीक है ना। तो ये जो कंप्लीट है आपका yn, वो भी आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही निकला है, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हमने स्टेप रिस्पांस के क्वेश्चन देख लिए, कोई बहुत बड़ा टॉपिक ये है नहीं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। तो एक एग्जांपल आप देखिए डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में, ठीक है, ये ओवरऑल आपका एलटीआई सिस्टम का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एलटीआई सिस्टम का इनपुट अगर यूएन होता है तो आउटपुट जो होता है एलटीआई सिस्टम का वो होता है डेल्टा एन, ओके, और बोलता है कि अगर इनपुट एन यूएन है तो इस एलटीआई सिस्टम का आउटपुट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपका सिस्टम का क्वेश्चन है कि यूएन इनपुट पे आउटपुट डेल्टा एन मिलता है और
इनपुट एन यू एन पे आउटपुट क्या मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए यहां पर आपको पहले ये बात समझनी होगी, जो फर्स्ट लाइन आपको गिवन है उससे आपको सिस्टम का रोल का एनालिसिस करना होगा कि सिस्टम का रोल है क्या, सिस्टम कर क्या रहा है। मतलब जब आप सिस्टम को यूएन इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट डेल्टा एन मिल रहा है, तो डेल्टा एन मिल रहा है आउटपुट, डेल्टा एन यूएन का क्या होता है ये आपको पहले समझना होगा। तो यूएन का जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं दो यूएन में तो आपको डेल्टा एन मिलता है। मतलब बेसिकली जो ये सिस्टम है वो आपका यूएन का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, मेनली ये सिस्टम आपका एज अ सब्ट्रैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे कर रहा है आप देखते हैं, हमें पता है कि डेल्टा एन जो होता है, हम लोग बहुत बार स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो होता है यूएन माइनस यूएन माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि जब आपका इनपुट यूएन था तो सिस्टम ने क्या किया, उस इनपुट को एज इट इज रखा, यूएन को यूएन रखा, माइनस किया एन की जगह एन माइनस वन पुट करके। मतलब उस इनपुट को एज इट इज रखा, माइनस किया, इनपुट को फिर से लिखा और एन की जगह एन माइनस वन पुट कर दिया। ये सिस्टम का काम है बेसिकली। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया है। नाउ अब अगर आपका इनपुट जो है वो एन यू एन है, ठीक है, तो अब आपका आउटपुट क्या होगा, इनपुट को पहले वैसे ही रखेगा एन यू एन, माइनस क्या करेगा एन की जगह एन माइनस वन, मतलब एन माइनस वन यू एन माइनस वन, ठीक है ना। ये आपका आउटपुट आने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो आउटपुट को अगर हम देखें, एन यू एन हम ओपन कर देते हैं यहां पर, एन यू एन माइनस एन यू एन माइनस वन और प्लस क्या हो जाएगा आपका यू एन माइनस वन, ठीक है। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें फर्स्ट टू टर्म को, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका एन कॉमन आ रहा है, तो जो आपका आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, एन कॉमन यू एन माइनस यू एन माइनस वन प्लस यू एन माइनस वन, ये हमारा आउटपुट है बेसिकली। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे तो यू एन माइनस वन क्या होता है, डेल्टा एन प्लस यू एन माइनस वन। नाउ क्या और सॉल्व हो सकता है ये फिगर, या और सॉल्व हो सकता है ये इक्वेशन? चाहे तो आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को फिगर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, आपको पता है। तो क्या ये फिगर या ये इक्वेशन जो है वो और सॉल्व हो सकता है यहां पर, कि बस हो गया यहां पर? नहीं, आप और सॉल्व इसे कर सकते हैं। ध्यान से याद करिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट वीडियो या जो स्टार्टिंग वीडियोस थी आपकी, उसमें मैं आपको बताया था इंपल्स की मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कि अगर आप किसी सिग्नल को इंपल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है एक्स ऑफ एन नॉट डेल्टा एन माइनस एन नॉट, ठीक है ना। तो वहां मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका एक्स एन होगा, ठीक है। और डेल्टा में एन के साथ जो भी शिफ्टेड में होगा माइनस के साथ वो होगा एन नॉट। तो यहां पर आप देखिए ये वही फॉर्मेट है, एन डेल्टा एन वाला जो टर्म है आपका, डेल्टा के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो एक्स एन है, मतलब एक्स एन क्या है एन, और डेल्टा में एन के साथ जो माइनस में है एन नॉट वो है जीरो। तो आपको क्या करना है, एक्स एन में एन की जगह पुट करना है एन नॉट, मतलब एन में आपको पुट करना है एन की जगह जीरो। तो जीरो इंटू डेल्टा एन आपका क्या हो जाएगा, जीरो प्लस यू एन माइनस वन। तो आंसर आपका आ गया यू एन माइनस वन, ठीक है ना। अगर आप फिगर वाइज इसे शो कर दें तो आंसर आपका आ गया आउटपुट का वन से लेकर इन्फिनिटी तक सारे के सारे आपके इंपल्स यहां पर बन जाएंगे। क्लियर है अच्छे से। तो ये बन गया यू एन माइनस वन और ये बन गया आपका आउटपुट, क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट की तीन से चार वीडियोस में हमने LTI सिस्टम का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, बेसिक कॉन्वल्यूशन का एनालिसिस किया है, HN और HT का एनालिसिस किया है, क्लासिफिकेशन और सिस्टम डिटेल में हमने समझा है, ठीक है। तो अब हमारा जो मेजर जो LTI सिस्टम है वो टॉपिक फिनिश होता है, बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और जो आने वाले टॉपिक्स है लाप्लास फूरियर इन सब में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो यहां पर
LTI सिस्टम के एनालिसिस में मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट का एनालिसिस करवाऊंगा, वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर इस वीडियो में स्टेप रिस्पॉन्स में आपको कोई भी डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।